हम आप लोग के राजेश सर आज आप लोग को SST पढ़ाएंगे। तो हम क्लास 5 का SST पढ़ाने जा रहे हैं आज। ये देखिए क्लास 5 का SST का बुक। तो बहुत दिन से स्कूल बंद है, आप लोग बहुत घर में खेल रहे होंगे, मन भी नहीं लग रहा होगा, तो थोड़ा पढ़ाई भी कर लीजिए आप लोग। तो आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं, और इस चैप्टर का नेम है अबाउट द अर्थ। चैप्टर का नेम है क्या? अबाउट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के बारे में। अबाउट मतलब होता है बारे में, और अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, मतलब कि पृथ्वी के बारे में। तो देखिए बोलता है कि द अर्थ इज एन इंपॉर्टेंट एंड यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बोलता है कि सोलर सिस्टम में पृथ्वी जो है सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। यही एक ऐसा प्लेनेट है जहां की जिंदगी पॉसिबल है, और अर्थ का जो सरफेस है वो किस में डिवाइडेड है, में डिवाइडेड है, तो लैंड और वाटर में। मतलब जब अर्थ का जो सरफेस है वो उसमें क्या है, तो पानी है और जमीन है। बोलता है इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाई एन इनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमोस्फेयर। उसके साथ साथ ये जो है एक चारों तरफ से, पृथ्वी चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो किस चीज से घिरा हुआ है? एक कवर से घिरा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमोस्फेयर। और द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। और बोलता है क्या, जो पानी और हवा का मौजूदगी जिसके वजह से ही पृथ्वी में जिंदगी पॉसिबल है। अगर पानी और हवा नहीं रहता पृथ्वी में, तो पृथ्वी में जीवन जो है वो संभव नहीं होता। और देखिए बोलता है कि पुराने समय में क्या होता था कि सब सोचते थे ना कि पृथ्वी जो वो फ्लैट है, चपटा है, लेकिन दे थॉट दैट इफ दे वुड रीच इट्स एज दे वुड फॉल ऑफ। वो सोचते थे ना कि हम इसका कोना में अगर पहुंचेंगे ना तो हम लोग गिर जाएंगे, इसलिए वो सोचते थे कि ये फ्लैट है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, पृथ्वी जो है वो फ्लैट नहीं बल्कि पृथ्वी अस्फेयर है, पृथ्वी अस्फेयर आकार की है। और जब स्पेसशिप से पृथ्वी का फोटो लिया गया तब जाकर मालूम हुआ कि पृथ्वी अस्फेयर है। तो पहले सब क्या मालूम था कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। उसके बाद ग्लोब के बारे में है। तो ग्लोब के बारे में आप जानते हैं, ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का मॉडल बना हुआ है, एक मॉडल में पृथ्वी को दिखाया, पूरा पृथ्वी को, वही ग्लोब है। उसके बाद अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस क्या है? अर्थ सरफेस वो चीज है कि जो भी हमारा अर्थ का सरफेस है, जिसमें कि ओशन भी है, लैंड भी है, वो हो गया अर्थ सरफेस। उसके बाद ओशन, जिसको कि हम लोग महासागर बोलते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स, जिसको कि हम लोग महादेश बोलते हैं। बस, और इसमें कुछ विशेष है नहीं। तो आज तो हम आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए थोड़ा सा, तो पृथ्वी के बारे में बताएं आप लोग को कि पृथ्वी स्फीयर है, पृथ्वी में जीवन संभव है और जल्दी किसी में नहीं है। क्यों संभव है? तो यहाँ पे पानी है, यहाँ पर जमीन है, इसीलिए संभव है, अन्यथा तो यहाँ पर संभव नहीं हो पाता। अब हम आप लोग को कल ग्लोब के बारे में बताएंगे, अर्थ सरफेस के बारे में बताएंगे, ओशन के बारे में बताएंगे, कंटिनेंट्स के बारे में बताएंगे, और भी बहुत सारा बताएंगे कल। तो बस आज के लिए इतना ही बोलेंगे। धन्यवाद। बाय।